रुपवारी इंडिया आपका हार्दिक स्वागत करता है। नींद में हूँ भाई बहुत। अभी हमने भाई पे मंगवाया नमक, किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। तो तो हम खा थोड़ी रहे हैं, क्या करने वाले हैं उसमें डालने वाले ये देखो नमक भी भाई। ये होटल वाले कितनी अच्छी तरीके से देखे ना, कटोरी में चम्मच के साथ और इतना। अब हम इस नमक का क्या करेंगे आप लोग सोच रहे होंगे ब्रोस, ये हम करेंगे भाई। ये देखो दोनों भाई क्या ये गर्म पानी में करके पड़े हुए हैं, बिकॉज भाई पाम ऐसे पप 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 करते हैं और चला भी नहीं जाता है, क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता तो हम भाई 26 28 किलोमीटर के लगभग चढ़ाई करके आए कल। तो 28 किलोमीटर की चढ़ाई फिर उतराई, आप समझ लोगे जो भाई वैष्णो देवी आ रखे होंगे कैसा हाल होता है। मसाज मसूज हमें करवाने में इंटरेस्ट नहीं है, एक बार करवा ली थी मंदिर टाइम में तो इतना बड़ा दुख हुआ हमें, घर जाके पता चला कि ऐसे मसाज करवा लेते तो हमारा पुण्य उनको लग जाता है जिसने मसाज करी है, क्योंकि वो दर्द मिटा रहा है तुमको भाई। अब ऐसे पानी को तो नहीं लग जाएगी। अच्छा जी, आप सोच के देखो अब पानी को लग जाएगा भी भाई? नहीं कुछ नहीं होता। तो भाई अब इसको डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो नमक वाला पानी होता है वो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट भी था, हमने ऐसे कर रखा था। फिर हमको एकदम ध्यान आई कि भाई इसमें नमक डाल लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा आराम होता है, मतलब पैरों को थोड़ी शांति मिलती है, वरना चला भी नहीं जाता यार, बिल्कुल लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, शर्म सी और आती है, लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे कर लें रेमेडीज तो अच्छी है यार। और बाहर बारिश हो रही है भाई, मतलब उठते ही ऐसा मौसम मिल जाए जिंदगी में और क्या लोगे आप, फोकस कर ले। ये देख रहे हो इतना प्यारा मौसम, कल भाई जब हमने यात्रा स्टार्ट करी इतनी धूप थी पसीनों से बुरा हाल हो गया था। आज इतनी प्यारी बारिश हो रही है, आज जो चढ़ाई कर रहा होगा ना उनको मजा आ रहा होगा। बारिश से क्या ही दिक्कत है, ऊपर शेड पड़ी है पूरे में, तो बारिश में कोई टेंशन नहीं रहती, बस चलते जाओ ना, एक्सीलेंट बारिश का एंजॉय करते रहो, ऊपर से टप 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 की आवाज आए, नेचर जो लवर जो होगा उनको तो आया हाय हाय हा क्या होगा। पर भाई जो सुबह लाइन में लग रहे होंगे आपने देखा था रात में, अब वो बारिश में भीज रहे होंगे, क्योंकि कल हम आ गए थे 4 बजे तो फोन भी डेड हो गए हैं, जिंदगी चल रही है। तो कल हम आ गए थे लगभग 4 बजे, हम लोग सो गए, हमारी नींद खुली है 12:30 बजे, फिलहाल 1 बज गया है। इतने आलतू फालतू टाइम तक टाइम पास करते रहे, घर भर पे बात करते रहे, कैसी रही कैसी नहीं रही। अब आगे का प्लान देखते हैं भाई क्या करते हैं। सबको गुड आफ्टरनून। वो नमक डाल देते हैं पूरे, ऐसा काहे के डाल रहे हो जैसे मसाले डाल रहे हो सब्जी में, और किस डाले के रहे पूरे डाल दे ऐसा कटोरे में मिला के डालूंगा ना, है मिला के भाई पूरे उधा दे मिला के ही क्या, अरे पानी में पामंत मिल जाएगा वो तो भाई। अरे रुक जा भैया, ओ भाई देख कितना ले 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 पूरा गिर गाओ, ले पूरा कटोरी उधा देगा जब कहा है जाओ। सिंपल एक बात बता दे, ले कटोरी भी मैं सर्व कर पाऊंगा। ये भाई तेरे को भी खाना नहीं बनाया क्या? नहीं मैं मेरे से सीख ले भाई खाना बनाना, मेरे को सब चीज आती है यार। पक्का? हाँ मैगी बनानी है भैया क्या? अब पामंत अपने दे घोड़ दे यार, सिंपल घोड़ दिए अम्बे। वो नमक तो अलग से डिफरेंट मसालों से लगा है पामन में भाई। आज हमारा प्लान था ऐसे निकलने का सामान वामान लेके यहाँ पे, लेकिन बारिश ही नहीं रुक रही है बिल्कुल। बादल देख रहे हो कितनी नीचे, पहाड़ ऊपर है जो आज चढ़ाई कर रहे होंगे, स्वाद है भाई इंडियन भाई कितना हो रखा होगा ना, मजे आ रहे होंगे भाई बादलों के बीच चढ़ाई। उधर तो कुछ दिख ही ना रहा, वाह माता भी कल इतनी धूप थी, माता रानी का कुछ नहीं पता, माता रानी को जैसा वेदर चाहिए ऐसा यहाँ पे कर देती हैं। ये देखना कितना स्वाद बेटर, मतलब रियल फील भाई, अमेजिंग। आपको पता ही होगा बारिश में क्या मौज आती है यार। चलो भाई अब अपना लास्ट लंच करते हैं यहाँ पे, खूब तो भाइयों ने बहुत अच्छा हमको खाना खिलाया है, बूंदी रायता मटर मशरूम सैलेड मिस्सी रोटी, क्योंकि यार यहाँ पे तवा मिलती है बस, तंदूरी रोटियाँ कोई जान ही ना है और हम तंदूरी खाने वाले हैं तो मिस्सी रोटी सही है यार। आ जाओ यार, मम्मी लगे रहोगे क्या हमेशा? बस 2 मिनट रानी, यहीं का मन ना कर रहा भाई यहाँ से चलने का, ये माता रानी इनको भेज ही नहीं रही है कि ना बेटा तुम यहीं रहोगे। ऐसे नाच दोबारा, नाच भाई नाच दोबारा, नाच दोबारा, नाच नाच दोबारा, नाच दोबारा, लिफ्ट में चल ले यार, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा। तो भाई अब हम जा रहे हैं कहाँ, मार्केट, 9 बज गए रात के भाई, ये भूख लग रही है और बारिश ना रुक रही है यार, हम चले जाते हैं आज पर बारिश नहीं रुकने दे रही हमको, इसलिए हम आज आलस में ही पड़े रहे हैं। पूछो छाता, देखो भैया बारिश हो रही है कैसा करें, लूटते लूटने खसोटने का काम हमारे लिए, इनते कहें कि हमें छोड़ देगा का। रुकी ना रही यार, एक हल्ला में हो आके फांस कटे, हाथ ही न कहें यार, मालिक भी ना लुपर लुपर थोड़ी बहुत, पर माता रानी की इच्छा है भाई।
अरे ये सुबह भाई ने मुझे लगता स्टिकर ही लगवा रखा लगता। हाँ स्टिकर ही है ये, अलग से कंप्यूटर से कटवा के विनाइल और इसमें भी वो कटवा रखा। उनको क्या मतलब भाई, कैसे जा ये ले चलते हैं ये वाली एक नहीं जी इसकी चाबी निकाल लो सिर पे ना चलेगी भाई, देखते हैं लेट्स सी। हम लोग कितना सूट कर रहा हूं देखियो कैसे जाते हैं कि एक ध्यान से देख भाई यार नल्ला ड्राइवर यार कोई काम धंधो वैसा ही ना भाई, बहुत मंदे टाइम की गाड़ी है, यहीं चले हैं सारी की सारी ए टू जेड। ओए मत देख क्लच वहां है, बीच में स्टीयरिंग दे रखा और यू यहां ब्रेक यू क्लच है, अगर ये ठोके आकर कुछ बचा ही ना यार है को तो आदमी पूरा खत्म है। इंजन कहां है को नीचे सीट के है, हां पीछे होगा पीछे सीट के नीचे ही है। हां नीचे है, इसका हीट फैक्ट्री होगी लंबे रूट पे तो यार अब तेज और हो गया भाई। वट्टू डू भाई आज हमारा मतलब वहीं से कुछ खाने का मन है बाहर से ही कुछ अच्छा सा, लेकिन अच्छा तो यहाँ भी मिलता है बट वो रहता है ना लास्ट डे है तो यार कुछ बढ़िया सा मार्केट से वो भी लेंगे प्रसाद वगैरह घर के लिए, गिफ्ट विफ्ट लेंगे। मोटू हमारा लड़का है एक उसके लिए ले आऊँगा कुछ खिलौना विलौना, मम्मी अन्न कही है कैसे करें यार थोड़ी सी दूर है वैसे तो। ओए ऐसा ना चले नीचे छुपते छुपाते बहुत नहीं आगे जाके खत्म होगी छत नहीं होती आगे तक दुकान नहीं है। मार्केट है जो उसमें भाई अब हम अपना वैन में बैठ के जा रहे हैं मार्केट, छाता तो है नहीं तो वैन में छोड़ के आ जाएंगे फिर उसके बाद देखते क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूर है उसके लिए तेज पे होए जा रही है। और पहुँच के भाई लगा दे दरवाजे लगा दे पागल भाई। हम सोच रहे थे मार्केट में तो कुछ भीड़ नहीं पाएगी पर यहाँ तो ये देखो ये मोमोज फोमोज पे हर जगह इतनी भीड़ पाती है, पीला साठे तो आपको दिखेगा यहाँ भाई जन क्या बना रहा है कैसे बना रहा है ये, मैं तनिष को भेजा चल लेके आए वो ट्राई मारते हैं। बारिश ऐसी आ रही है भीग रहे हैं ऐसे खड़े हैं दुकान के सहारे। भाई बारिश में भीजते भीजते एक होटल पे फाइनली आके रेस्टोरेंट पे सॉरी रोटी खा लेते हैं, सोचो ये चीज खत्म हो जाएगी हमारे पेट में चली जाएगी जो भी इस दुनिया में वो हमारे पेट में सोचने वाली बात। अब हम आ गए भाई रात के 10:30 बजे अपना प्रसाद वगैरह लेने घर के लिए और मोटू के लिए थोड़े से वो ले रहा हूँ खिलौने विलौने थोड़े से गाड़ी घोड़ा ये मुझे अच्छे लग रहे हैं उसके टक्टर वक्टर से ये निकाल लिए मैंने, अभी पढ़ेगा लिखेगा तो तब ये लेके जाऊँगा शार्पनर स्केल अभी तो नोजी चाड़ता रहता है वो बस अपनी, और तो कुछ मुझे खास दिख नहीं रहा। गदा हम पहले ले आए थे बालाजी से, गन वो अभी चला नहीं सकता 300-200 लग जाएगी 450 रुपया के हुए हैं कोट करो से बेटर क्वालिटी के नहीं है 450 से भी बेटर पंजाबी भाई पैसा बहुत रहे इन पे। इस वक्त भाई फिर आ गए हमको लेने के लिए यहाँ पे क्योंकि लेट नाइट ज़्यादा हो गया था 11 बज गए हमको माल लेते लेते, तो भाई भाई के पास एक स्विफ्ट भी है ये डीजल में डीजल 130 चला दिए भाई ने ये, वाह भाई वास्तविक और कंडीशन इतनी साफ भाई आप देख रहे हो कहीं से लग रहा है इतनी पुरानी सी है मेंटेन रखते हो मतलब गाड़ी को साफ सुथरी अच्छा अपने आप को भी एकदम साफ 11 साल हो गए इसको देख रहे हो ऊपर से नीचे तक तो भाई सजे धजे ढोलते हैं बिल्कुल एकदम छोरी छापरी भी हमने इतनी सजी धजी ना देखी हमने आज तक वैसे देखे ही नहीं इतने टाइम हो गए हमको 4 दिन से तो हम यही है भाई साहब जब भी दिखेंगे ना फुल सेट टिप टॉप जीन्स जूते सही है भाई इनकी थूत देखो आप इन सब के रेट तो बढ़िया को एटीट्यूड गाइस भाई बहुत आप अच्छी है आपकी बहुत अच्छी आप बहुत ब्यूटीफुल हो आप स्तबक भाई से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो नहीं नहीं उनसे ज्यादा नहीं तो भाई अभी अखरोट लेने और जा रहे हैं एक जगह कहीं पे अखरोट लेते हैं बढ़िया से कहीं से किसी क्वालिटी के मैंने बच्चे के लिए तो देखो कितने सारे मैंने यहाँ पे वो ले लिए खिलौने हाथी फाती से खेलता रहेगा अब बढ़िया मौज में
600 रुपए खर्चे कर दिए, सॉरी 700। खिलौने बड़े महंगे नहीं हो रहे इस वक्त भाई, बहुत ज्यादा ज्यादा रेट बताते हैं। अब तो 2025 में हम भी चाचा बन जाएंगे। इस तबक भाई हमको चाचा बना देंगे। मार्च में तो भाई की शादी हो रही है, ज्यादा लेनी पड़ेंगे आपको। हाँ हाँ भाई, क्या दिक्कत है, हम तो चाहते हैं हम और ज्यादा ले। आप भी दो ना, मौका हम भी खिलौने लेके आए। आप करो भाई, फिर हम करते हैं, फिर हम आपको मौका देंगे। ओ भाई बारिश ही ना रुक रही। अरे भाई आज बारिश रुकने का नाम ना ले रही। खैर 11 बज गए, दुकान सारी बंद हो ली, इसलिए अब कल ही देखेंगे जो है। होटल पहुंच लिए। आओ, पैरों में दर्द हो रहा है जब चढ़ाई करके आते हैं ना, इसमें बोल रहा था अब कुछ ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, अब तो चलना बाहर ही पड़ रहा है, हो जाता है। चलो ऊपर चलते हैं फिर, तो अब कल ही निकलते हैं यार, बारिश बहुत हो रही है इधर यार, पूरे दिन भर से आज जो चढ़ाई कर रहा होगा। पहले तो मुझे लग रहा था अच्छा है, गर्मी नहीं होगी। आ जाओ तू भाई रूम पे, आ जाओ। ठीक है ठीक है। और अब हम जब चल के आए हैं थोड़ा सा, अब पता चल रहा है भाई बारिश तो, अगर चढ़ाई का टाइम हो रही होती तो कोई प्रिपरेशन करके थोड़ी जाता है कि जैकेट वो लेके जाए यार, रेनकोट वगैरह, भीग जाता बुरी तरीके से।